हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जो है उसमें आगे का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो एसिड सॉरी मेटल और नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब लोग देख लिए थे। आज हम लोग चलते हैं, इसमें एक मेटलर्जी टॉपिक होता है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में मेटलर्जी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म, उसके बारे में चलते हैं। धातु कर्म होता क्या है पहले ये जान लीजिए आप। ऐसी बात है कि जो है आप देखते हैं आयरन, लोहे का रॉड देखते हैं खिड़कियों में, दरवाजों में, यानी जो गेट है उसमें लगाते हैं आप। इसके अलावा और भी आप सिल्वर गोल्ड ये सब का जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब यूं ही कहीं धरती में गड़ा हुआ है, जाइए उखाड़ लीजिए? ऐसी बात नहीं है। ये सब जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, जिसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। और उस अयस्क में से इन मेटल्स को, ये जो धातु हैं, इनको निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। तो वह विधि जिसके द्वारा किसी भी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, धातु कर्म कहलाता है, यानी इंग्लिश में मेटलर्जी बोलते हैं इसको। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ये मेटलर्जी से ही रिलेटेड है कि किस तरह से किसी भी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस चीज को जानने से पहले उसमें कुछ जो बेसिक टॉपिक्स है, नॉलेज है, वो हम लोग लेंगे, उसके बाद ही हम लोग को समझ में आएगा। तो धातु कर्म होता क्या है, मेटलर्जी क्या है, ये तो आप जान ही लिए कि भाई जिस विधि के द्वारा किसी भी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, ये आप जान लीजिए। और इसमें कुछ विशेष टॉपिक है, जैसे सबसे पहले खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। खनिज क्या होता है देख लीजिए, तो वैसे अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक जो कि भूपर्पटी में यानी अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज को इंग्लिश में हम लोग मिनरल बोलते हैं। खनिज क्या समझ में आया आपको, कि वो सभी अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक जो कि भूपर्पटी में यानी अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, ठीक है। जबकि अयस्क क्या है, अयस्क के बारे में देख लीजिए, इंग्लिश में इसको ओर कहा जाता है, ओर यानी अयस्क क्या होता है। तो वैसे खनिज जिससे किसी भी तत्व को सस्ते में एवं सुविधापूर्वक तरीके से प्राप्त किया जाता हो अयस्क कहलाता है। यानी खनिज और अयस्क दोनों एक ही जैसा है, अंतर क्या है कि जिस खनिज से किसी भी धातु को सस्ता और आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता हो, निष्कर्षित किया जाता हो, ऐसे खनिज को ही हम लोग बोलते हैं अयस्क। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि बॉक्साइट बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, और एक हो गया आपका क्ले, इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3.2SiO2.2H2O। तो देखिए ये हो गया क्ले का फॉर्मूला और ये हो गया बॉक्साइट का फॉर्मूला। ये दोनों जो है वो एल्यूमिनियम के खनिज हैं, यानी मिनरल। लेकिन इन दोनों में से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, वो अधिक आसान और सस्ते तरीके से होता है। इसलिए बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क हुआ, ओर हुआ, जबकि क्ले जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है बल्कि खनिज है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस खनिज से किसी भी तत्व का, किसी भी धातु का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण अधिक आसान और सस्ता होता है, ऐसे खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब सभी अयस्क जो हैं वो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। यानी ये क्ले जो है वो सिर्फ खनिज है, बॉक्साइट जो है वो अयस्क है, यानी खनिज भी है। ये बॉक्साइट जो है अयस्क और खनिज दोनों है, जबकि क्ले जो है सिर्फ खनिज है, ये अयस्क नहीं है, क्योंकि क्ले से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन अधिक आसान और सस्ता नहीं होता। तो वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अधिक आसान और सस्ता होता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। हम लोग देखते हैं आगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स से ही पहले चलेंगे हम लोग गैंग यानी मैट्रिक्स के बारे में। क्या होता है भाई? तो किसी भी धातु के अयस्क में, किसी भी धातु का जो अयस्क है वो यूं ही फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। किसी भी धातु का अयस्क जो है वो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज अशुद्धियां जैसे बालू या दूसरा कोई धातु ये सब मिले हुए रहते हैं। तो किसी भी धातु के अयस्क में जो अशुद्धियां पाए जाते हैं उन अशुद्धियों को ही हम लोग इम्प्यूरिटीज या फिर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए क्या क्या, एक मिनरल, मिनरल पढ़ लिए, दूसरा ओर पढ़ लिए, ओर मतलब अयस्क, मिनरल मतलब खनिज हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को हम लोग गैंग भी बोलते हैं, GANGUES में होता है गैंग। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स या गैंग जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो अशुद्धि क्या, मैट्रिक्स क्या समझ में आ गया कि किसी भी धातु के अयस्क में जो अशुद्धियां पाए जाते हैं उन अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर गैंग बोलते हैं। अब हम चलेंगे जैसे मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे SiO2 यानी सिलिका, इसको बोलते हैं बालू, सिलिका, ये सब क्या है? ये सब आपका मैट्रिक्स है। हम लोग चलते हैं कि भाई फ्लक्स जिसको, जिसका शुद्ध हिंदी नाम है द्रावक, ये फ्लक्स क्या होता है? FLUX वो भी देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए किसी भी धातु के अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, मैट्रिक्स हैं, उन अशुद्धियों को हटाने के लिए उसमें एक दूसरा कंपाउंड मिलाना पड़ता है। फिर से सुनेंगे, किसी भी धातु का जो अयस्क है उन अयस्क में, मैंने कहा कि बहुत सारे अशुद्धियां पाए जाते हैं जिसको हम मैट्रिक्स करते हैं, तो उन अशुद्धियों को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो उसमें दूसरा कंपाउंड मिलाया जाता है उस कंपाउंड का नाम है फ्लक्स। ठीक है, हिंदी में द्रव। अब एक होता है स्लैग। स्लैग क्या होता है भाई? तो जब किसी भी धातु के अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को हटाने के लिए जब हम लोग फ्लक्स डालते हैं तो फ्लक्स उन अशुद्धियों से अभिक्रिया करके एक दूसरा फ्यूजिबल सब्सटेंस बनाता है, यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं। फिर से सुन लेंगे कि किसी भी धातु के अयस्क में, किसी भी धातु के अयस्क में जो इम्प्यूरिटीज हैं, मैट्रिक्स हैं, उनको हटाने के लिए जब हम लोग उसमें फ्लक्स डालते हैं तो फ्लक्स उस अशुद्धियों के साथ, इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक अन्य फ्यूजिबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, लिख देते हैं SLAG स्लैग। जैसे SiO2 ये क्या है? इम्प्योरिटीज होगी। इसमें जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका मैट्रिक्स यानी इम्प्योरिटीज यानी गैंग, ये हो गया आपका फ्लक्स और ये हो गया आपका स्लैग। ठीक है, तो ये SiO2 क्या है? ये इम्प्यूरिटीज है। इसको हटाने के लिए जो हम लोग दूसरा कंपाउंड यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया वो क्या है? फ्लक्स हो गया। और ये जब दोनों रिएक्शन करता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। तो
फ्लक्स जब इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करता है तो जो फ्यूजिबल सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग बोलेंगे स्लैग। तो ये सब जो है वो सब कुछ मेन पार्ट्स थे मेटलर्जी के। अब हम लोग तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ये सब आप लोग देखिए। अच्छा हम लोग चलते हैं कि भाई ये जो मेटलर्जी है ये टोटल कितने स्टेप में पूरा होता है, मेटलर्जी की जो क्रिया है, धातु कर्म की जो क्रिया है वो कितने स्टेप में पूरी होते हैं। एक ही स्टेप में पूरा नहीं होता, यानी किसी भी धातु को उसके एस्क से आप एक ही बार में निष्कर्षित नहीं कर सकते, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक ही बार आप क्लास वन से क्लास टेन में या क्लास ट्वेल्व में नहीं चले जाते, बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक एक करके आपको पार करना होता है। उसी तरह से किसी भी धातु के उसके एस्क से जब वो निष्कर्षित करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स के बारे में हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो टोटल चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है इनरिचमेंट ऑफ द ओर, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द ओर भी कहते हैं। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका हिंदी होता है अयस्कों का सांद्रण। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप जो है उसको क्या बोलते हम लोग, अयस्कों का सांद्रण यानी इनरिचमेंट ऑफ द ओर। दूसरा है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, यानी वो जो सांद्रित अयस्क था, जब अयस्क का सांद्रण हो गया तो सांद्रित अयस्क उसको बोलेंगे, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन। तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, यानी ऑक्साइड ओर का धातु में क्या अवकरण। और लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। ठीक है, यानी जो आपका मेटल प्राप्त हुआ वो अशुद्ध होता है और उस अशुद्ध मेटल का शुद्धिकरण। तो ये चार स्टेप होते हैं, एक एक करके हम लोगों को चलना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस पर लिखते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स इन विच मेटलर्जी इज कंप्लीटेड, स्टेप्स इन विच मेटलर्जी इज कंप्लीटेड। नंबर एक, एनरिचमेंट ऑफ द ओर, यानी हिंदी में अयस्कों का सांद्रण, एक हो गया। दूसरा कन्वर्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, यानी सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में अवकरण। ठीक है, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में अवकरण, सॉरी अवकरण नहीं परिवर्तन, ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन। तीसरा स्टेप ऑक्साइड एस का धातु में अवकरण, यानी इसी को बोलते हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल। और लास्ट जो है उसमें हो गया
प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल यानी धातुओं का शुद्धिकरण। ठीक है, तो ये चार स्टेप हो गए जिसका प्रयोग किया जाता है धातुओं के निष्कर्षण में। उसमें एक है इनरिचमेंट ऑफ द वो यानी अयस्कों का संग्रहण। दूसरा है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर यानी संदित एस का ऑक्साइड एस में परिवर्तन। तीसरा है ऑक्साइड एस का धातु में अवकरण यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल। और लास्ट में है प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल यानी धातुओं का शुद्धिकरण। तो इतने स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को हम लोगों को एक एक करके चलना होगा। तो ऐसा करके आज हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में, फिर हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे। अयस्कों का सांद्रण इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेप में क्या किया जाता है। देखिए, हमने कहा थोड़ी देर पहले कि कोई भी धातु जो है वो या किसी भी धातु का अयस्क जो है वो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिले हुए रहते हैं। तो ये जो स्टेप है अयस्कों का सांद्रण, इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी धातु के अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग करके अलग कर दिया जाता है। यानी किसी भी धातु के अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को विभिन्न विधियों का के प्रयोग के द्वारा, ये विभिन्न विधियों के द्वारा जो निकाला जाता है उस अयस्क से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसी स्टेप का नाम है अयस्कों का संग्रहण। और अब जो शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे सांद्रित अयस्क। तो अयस्कों का सांद्रण में क्या किया जाता है, समझ में आ गया आपको कि अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज है, उनको हटा दिया जाता है विभिन्न विधियों के द्वारा। ठीक है, तो इस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, अयस्कों का सांद्रण। अब जब आपको शुद्ध अयस्क प्राप्त हो गया उस शुद्ध अयस्क को क्या बोलेंगे, सांद्रित अयस्क। अब जब आपको शुद्ध अयस्क प्राप्त हो गया तो उसके बाद क्या किया जाता है, तो शुद्ध अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अयस्क कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। जैसे एग्जांपल ये देखिए ZnCO3, ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है क्योंकि लास्ट में कार्बोनेट है ना। और देखिए ZnS, ये जिंक का सल्फाइड अयस्क है, ZnS, ZnO, ये जिंक का ऑक्साइड अयस्क है। तो इस तरह से अयस्क कई तरह के हो सकते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क कहलाता है, अगर सल्फर है तो सल्फाइड अयस्क कहलाएगा, अगर CO3 कार्बोनेट है तो कार्बोनेट अयस्क कहलाएगा। अब इन तीनों में से ऑक्साइड अयस्क से किसी भी धातु का निष्कर्षण अधिक आसान होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास जो सांद्रित अयस्क है जिसका अभी आपने सांद्रण किया है वो अगर ऑलरेडी ऑक्साइड अयस्क है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसका हम लोग अगला स्टेप में जाएंगे। लेकिन अगर वो अयस्क ऑक्साइड अयस्क नहीं है, वो या तो कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करते हैं। और इसी स्टेप का नाम होता है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर यानी सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन। समझ में आया आपको कि अगर आपने जिस अयस्क को सांद्रित किया है वह अगर ऑक्साइड अयस्क पहले से ही है तो ये स्टेप होगा ही नहीं इसमें। लेकिन अगर आपके पास जो सांद्रित अयस्क है वो अगर कार्बोनेट अयस्क अथवा सल्फाइड अयस्क है तो सबसे पहले उसको आपको ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण अधिक आसान होता है। और इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन। किसके जरिए किया जाता है, तो जिन दो विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें एक का नाम है रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है और कैल्सिनेशन प्रोसेस के जरिए इस कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन ये कैसे किया जाता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक करके सबका मीनिंग आपको समझा देता हूँ कि किसमें क्या क्या काम होता है, क्योंकि सब लंबा लंबा टाइम लेगा। ठीक है, तो एक स्टेप समझ में आ गया आपको कि इनरिचमेंट ऑफ द होल यानी अयस्कों का संग्रहण क्या होता है, यानी अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धियों को दूर कर देना, यही होता है अयस्कों का संग्रहण। दूसरा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन, ये भी आप जान लिए। अब किस तरह चलते हम लोग
ऑक्साइड एस के धातु में अपकरण, ऑक्साइड एस का धातु में अपकरण। इसे मान लीजिए कि आपने जो भी आपके पास एस था, चाहे वो कार्बोनेट एस था चाहे वो सल्फाइड एस था, तो उसको आपने ऑक्साइड एस में परिवर्तन मतलब परिवर्तित कर दिया। अब इस जिंक ऑक्साइड में से आपको जिंक प्राप्त करना, क्योंकि मेटल क्या है आपका जिंक, ऑक्सीजन तो मेटल है, नॉन मेटल होता है ना। तो जब तक इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा तब तक आपको जिंक कैसे प्राप्त हो सकता है, नहीं प्राप्त हो सकता है ना। तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज में ऐसे जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो जब तक जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलेगा नहीं तब तक जिंक कैसे प्राप्त हो सकता है, हमको जिंक प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं प्राप्त हो सकता। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। इसीलिए मैंने इस पर बताया कि ऑक्साइड एस का धातु में अवकरण, यानी जब इस ऑक्साइड एस में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो ये जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में अवकृत हो जाएगा, यानी ऑक्साइड एस का धातु में अवकरण। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या कि जितने भी मेटल हैं उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, एक हाईली रिएक्टिव यानी उच्च अभिक्रियाशील, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव यानी जो मध्यम अभिक्रियाशील है वो, और तीसरा निम्न अभिक्रियाशील यानी एकदम लो रिएक्टिव मेटल। और तीनों के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम लोग उसको भी चलेंगे बाद में। लास्ट में प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल, यानी अब जो आपने इस मेटल ऑक्साइड में से यानी ऑक्साइड एस में से ऑक्सीजन को जब निकाल दिया उसके बाद जो आपको धातु प्राप्त हुआ, या धातु भी अभी प्योर नहीं है बल्कि इम्प्योर है, अशुद्ध है, तो इस इम्प्योर धातु में से प्योर धातु को निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं धातुओं का शुद्धिकरण। तो इतने स्टेप होते हैं, और इतने स्टेप के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो शुद्ध धातु प्राप्त होता है किसी भी अयस्क से। तो इन सारे स्टेप्स को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग इन्हीं स्टेप्स के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो ऐसा करते हैं, आज का क्लास यहीं मिलते हैं, कॉलेज को आप लोग कर लीजिए। थैंक यू।